welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and you have read by the title what today's video is going to be about. So there are a lot of festivals around the corner and I want to create as many makeup looks as possible because mujhe ethnic wear pehenna bahut pasand hai and Indian makeup is just something I love to do. So yes, grabbing today's opportunity, I will be creating Onam makeup look. Mere yahan Onam nahi manaya jata hai, but as far as I know, Onam is a harvest festival that is celebrated in southern India, and the way the South Indian girls dress up, their makeup, their entire look, I really love it. So main ye opportunity nahi khona chahti thi, and so today I'm here creating an Onam makeup look. I hope I'm able to do justice. Okay, to maine bun bana liya because I thought it would go well with today's look. Ek bar mera makeup ho jaye then I will change my outfit. To makeup shuru karne se pehle agar aap meri videos first time dekh rahe hain to hi, my name is Sonu Mishra. I post beauty and lifestyle content here on YouTube twice every week and YouTube shorts almost daily. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट डाउन बिलो और उसके बगल में बेल बटन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ यू गेट नोटिफाइड. नाउ विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स डाइव राइट इनटू इट. तो आज मैं सबसे पहले अपना आई मेकअप करूंगी और उसके बाद में अपना बेस मेकअप करूंगी क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ टू डू अ कट क्रीज मे बी, बट मैंने पहले कभी भी कट क्रीज नहीं किया है. आई एम अ लिटिल बिट स्केयर्ड एंड इफ दिस डज नॉट गो वेल तो मैं ये वाइप ऑफ करके आई विल गो ऑन विद अनदर लुक. तो आई विल जूम यू गाइज इन फॉर द आई मेकअप. ओके, तो अब मैंने आप लोगों को जूम इन कर दिया है सो दैट यू कैन सी द आई मेकअप क्लियरली, और मैंने टेप लगा ली है ताकि मैं एक विंग शेप दे पाऊँ अपने आई लुक को. अब मैं अपने आईज को प्रेप कर रही हूँ यूजिंग द कंसीलर. आई एम टेकिंग द L16R कैमो कंसीलर. जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज के लुक में यूज करूंगी वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी तो यू कैन चेक देम आउट. आज के लुक के लिए मैं डिलांसी मिस्टीरियस क्वीन आई शेडो पैलेट यूज करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं इस बेस को सेट कर दूंगी यूजिंग अ व्हाइट कलर्ड आई शेडो, मोर सो ऑफ व्हाइट. पहले मैं प्लान कर रही थी टू गो फॉर समथिंग रेड एंड गोल्डन बिकॉज मेरा आउटफिट उस कलर का है, बट फिर आई डिसाइडेड कि मैं ऐसा कोई लुक क्रिएट करूं जो कि किसी भी आउटफिट के साथ चला जाए. तो यू कैन ट्राई दिस आउट फॉर योर ओनम मेकअप लुक, और अगर आप इसे रिक्रिएट करते हैं और इंस्टा पे आप पोस्ट करते हैं तो प्लीज मुझे टैग करना, आई वुड लव टू सी. तो मैंने ये बेस सेट कर लिया है और अब मैं अपने लिड को ट्रांजिशन दूंगी यूजिंग दिस वेरी लाइट ब्राउन शेड. तो आई एम प्लानिंग टू गो फॉर समथिंग ब्राउन एंड गोल्डन, मैं ये ट्रांजिशन में लगा रही हूँ. नाउ यूजिंग द सेम ब्रश मैं एक डार्कर ब्राउन की शेड लूंगी और इसको मैं अपने क्रीज में लगाऊंगी. नाउ अगर आपके यहाँ ओनम सेलिब्रेट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि व्हाट ऑल यू डू फॉर ओनम, मतलब आपके घर में कैसे सेलिब्रेशन होता है, बिकॉज आई एम वेरी कीन टू नो. आई हैव नॉट बीन टू साउथ इंडिया एनी टाइम तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हाउ इज ओनम सेलिब्रेटेड. वन थिंग दैट आई एम श्योर ऑफ इज कि पक्का आप लोग बहुत सारा टेस्टी टेस्टी सा साउथ इंडियन फूड बनाते हो गए, एंड आई रियली लाइक मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन फूड. डोसा इज माई फेवरेट. ठीक है, तो मैंने अपने क्रीज को थोड़ा सा डार्कन कर दिया है बट आई विल गो इवन डार्कर. तो मैं और एक डार्क शेड लूंगी ब्राउन का, मिक्सिंग दीज टू टुगेदर, और मैं और क्रीज डिफाइन कर दूंगी. स्मोकिंग इट आउट. यस, दिस इज लुकिंग गुड. अब मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज करके थोड़ा सा और डार्क ब्राउन का शेड लेके आउटर वी पे प्लेस करूंगी और उसी को ब्लेंड कर दूंगी अपनी क्रीज के साथ. तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा डेप्थ मिल गया है मेरी क्रीज को. थोड़ा सा आउटर वी को भी मैं डार्क कर दूंगी. यही सेम मैं इस आई में भी करूंगी, आउटर वी पे कलर प्लेस करके आई विल ब्लेंड इट विद माई क्रीज. अब ब्लेंडिंग ब्रश यूज करके मैं वही लाइट ब्राउन शेड लेके आई विल जस्ट ब्लेंड इट ऑल टुगेदर ताकि कोई हार्श लाइंस ना रहे. इट डज नॉट हैव टू बी वेरी क्लीन क्योंकि अभी मैं कट क्रीज करूंगी तो अगर लिड में कलर लग भी गया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो अब मैं वही सेम कंसीलर यूज करके आई विल कट माई क्रीज. आई विल टेक अ ब्रश फॉर दिस. मैं इसे 3/4 तक ही ले जाऊंगी एंड आई लीव इट हियर. अब मैं यही सेम स्टेप अपनी दूसरी आई पे भी करूंगी. तो
कट क्रीज तो हो गया है, मैं इतना ज्यादा हार्श कट क्रीज नहीं करूंगी, आई विल ब्लेंड इट इन, बट उससे पहले मैं इस कंसीलर के ऊपर आई विल प्लेस अ शिमर शेड। पैलेट में काफी अच्छे अच्छे शिमर्स हैं। दीज आर द थ्री शेड्स आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन। थिंक मैं ये दो मिक्स करके लगा दूंगी। यस इट लुक्स गुड। आई थिंक मैं एक ब्रश यूज़ करूँगी फॉर मोर प्रेसिजन। मैं ब्रश पे मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया है ताकि मेरा शिमर अच्छे से पॉप आउट करे। दिस इज़ लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। अब मुझे थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि दिस लुक विल टर्न आउट ओके। आई थिंक इट विल टर्न आउट गुड, बट आई एम नॉट कीपिंग माई होप्स हाई राइट नाउ बिकॉज आई नो आई कैन मेस एट एनी पॉइंट। मैं अगेन डार्केस्ट ब्राउन शेड लेके आई एम गोइंग ऑल ओवर द कट क्रीज जस्ट टू डिफ्यूज द हार्श लाइन्स। आई वॉन्ट अ सॉफ्टर कट क्रीज, तो जितनी भी लाइन्स हैं मैं उन्हें डिफ्यूज कर दूंगी। और अब एक दूसरे ब्रश में आई विल टेक द लाइटर ब्राउन जो कि मैंने ट्रांजिशन में लगाया था एंड आई विल गो ओवर अगेन ताकि इट ऑल लुक्स वेरी वेरी ब्लेंडेड इन। आई थिंक इट लुक्स गुड। मैं एक एंगल्ड ब्रश की हेल्प से ब्लैक आई शेडो से लाइन माई लैश लाइन एज थिन एज पॉसिबल। In the outer corner, I will place this black color. जिस ब्रश में मैंने ब्राउन लिया था उसको मैं हल्का से ब्लैक में डिप करके आउटर वी पे ब्लेंड करूंगी। और एक छोटा ब्रश लेके जो मैंने लाइन पे ब्लैक लगाया है मैं उसको भी स्मोक आउट कर दूंगी थोड़ा सा। आई थिंक इट लुक्स गुड। अब मैं यही सेम इस आई पे भी करूंगी। तो मैंने टेप रिमूव कर दिया और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा शार्प एजेस हैं, दैट तो आई विल ब्लेंडेड आउट। उसके अलावा आई लुक हैज टर्न आउट रियली गुड। आई मीन आई एम रियली लाइकिंग इट। नाउ आई विल क्विकली डू माई आईब्राउज। तो आईब्राउज आज मैं फिल करूंगी पाउडर से बिकॉज दैट गिव्स मी अ मोर डिफाइंड लुक एंड आई लाइक इट दैट वे। द आईब्राउ लुक गुड। अब सेम मैं इस आईब्राउ को भी फिल कर लूंगी। Eyebrows are done. They look pretty good. Up, I will do my base. I will spritz rose water on my face. It feels really refreshing. मैं ये facial oil use करने वाली हूँ। Oil this is Kumkumadi Tailam. तो मैं इसका सिर्फ एक pump लूँगी। Because आज मैंने face shave किया था, तो my skin is feeling a little bit dry. And also I want that glow on my face. I'll just massage it well into my skin. So now once that is done, अब मैं अपने T-zone पर primer लगाऊंगी। तो आज का look I want to go a little bit glam. So I just go with a full coverage base today. तो मैं use कर रही हूँ ये sugar का Ace of Face foundation. ये थोड़ा सा मेरी skin के लिए dark है, तो मैं इसको हल्का mix करूँगी अपने Fit Me foundation के साथ। These two foundations together give me a very good coverage and the perfect shade. और अब मैं इसको blend करूँगी using my beauty sponge. You can see the foundation is giving me such good coverage and उस oil की वजह से I'm getting that glow from within. वरना ये foundation एकदम matte finish देता है। तो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है एंड इट इज गिवन मी फुल कवरेज। तो अब मुझे कवरेज की तो नीड नहीं है, बट जस्ट टू ब्राइटन अप माय अंडर आई एरिया लिटिल बिट मैं यूज करूंगी ये एल्फ का कंसीलर। तो ये अच्छे से मेरी अंडर आई को कंसील भी करता है और हाईलाइट भी करता है। आई रियली लाइक दिस कंसीलर। वरना मैं जनरली कंसीलिंग और हाईलाइटिंग के लिए दो डिफरेंट कंसीलर्स यूज करती हूँ, बट दिस वन डज द जॉब फॉर मी। अब मेरी अंडर आई हो गई है। अब मैं यही कंसीलर थोड़ा सा अपने जहाँ पे कंट्रोल करते हैं उसके नीचे लगाऊंगी। इससे जो कंट्रोल लाइंस हैं वो थोड़ा और अच्छे से इन्हांस होके आती है। आई एम रियली इनटू दिस स्टेप लेटली। तो मैं इसको नीचे की तरफ को ब्लेंड करती हूँ ताकि यहाँ पे मुझे हाईलाइटिंग मिल जाए और इसके ऊपर जब मैं कंट्रोल करूँ तो वो अच्छे से इन्हांस हो। ये भी हो गया है। तो अब मैं जहाँ हाईलाइट किया था उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम कंट्रोल करूंगी, थोड़ा सा फोरहेड पे, थोड़ा सा जॉ लाइन पे। हियर टू कट आउट माय डबल चिन, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज तो होगी नहीं, सो कंट्रोल टू रेस्क्यू। अब मैं सेम कंसीलर ब्रश से इसको ब्लेंड करूंगी एंड यू कैन सी उस हाईलाइट की वजह से मेरा कंट्रोल कितना ज्यादा एनहांस होके आ रहा है। इट लुक्स गुड राइट।
तो जॉ लाइन का जो कॉन्टोर है उसको मैं नीचे की तरफ ब्लेंड करती हूँ ताकि यहाँ पे मेरे को एक शेडो मिले, जिससे कि ये जो मेरा एक्सेस फैट है ये थोड़ा सा कम विजिबल हो। और जो मेरे चीक बोन्स का कॉन्टोर है उसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट ब्लेंड करती हूँ, और जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको मैं पीछे की तरफ को पुश करती हूँ। और जो मेरा फोरहेड का कॉन्टोर है इसको आई पुश इट इन टू माई हेयर लाइन। ओके, आई फॉरगॉट, आई हैव ऑलरेडी डन माई हेयर, तो मुझे वो खराब नहीं करना है, तो इसको मैं हेयर लाइन में पुश करूंगी ताकि इट लुक्स ऑल ब्लेंडेड आउट। अब मैं अपना फिट मी कॉम्पैक्ट लूंगी और थोड़ा सा अपनी अंडर आई एरिया को सेट कर दूंगी, और मैं थोड़ा सा अपना टी जोन भी डैब डैब करके सेट कर लूंगी, ऑयल वगैरह ना निकले और मेरा बेस अच्छे से सेट हो जाए। पूरा फेस मैं पाउडर से पैक नहीं करूंगी, तो मैं पाउडर कॉन्ट्रोल ले रही हूँ, जहाँ पे मैंने क्रीम कॉन्ट्रोल किया था उसी के ऊपर मैं उसे सेट कर लूंगी यूजिंग पाउडर कॉन्ट्रोल। तो इससे ये और अच्छे से इनहांस होके आएगा एंड आई विल गेट दैट चिजल्ड स्ट्रक्चर टू माई फेस। तो ये मैंने सेट कर लिया है, आई विल डू द सेम ऑन दिस साइड। सिमिलरली मैं अपनी जॉ लाइन और फोरहेड को भी सेट कर लूंगी। नाउ आफ्टर दिस मैं ये ही पैलेट में से ये ब्लश लूंगी एंड आई अप्लाई इट अबव द कॉन्टोर लाइन, ताकि मेरे फेस को एक लिफ्टेड इफेक्ट मिले। मैं एप्पल्स पे नहीं लगाऊंगी, अब मैं सेम इस साइड पे करूंगी। तो अब मैं यही सेम डाम ब्यूटी ब्लेंडर को एक बार पूरे फेस पे ऐसे धीरे धीरे टैप कर लूंगी, ताकि जितना भी पाउडर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मेरा फेस पाउडरी सा ना लगे। मैं एक छोटा सा ब्रश लूंगी और जो जो कलर्स मैंने अपनी लिड पे लगाए हैं उन्हीं को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी स्मोक आउट करूंगी टू टाई द एंटायर आई लुक टुगेदर। ये डार्क ब्राउन शेड मैं स्मोक आउट कर दूंगी बाहर की तरफ, तो मैं सिर्फ इधर ही लगाऊंगी, और अंदर की तरफ मैं लाइटर ब्राउन का शेड लगाऊंगी और थोड़ा सा इनर कॉर्नर की एरिया में छोड़ दूंगी, वहां पे मैं शिमर लगाऊंगी ताकि मेरी आईज ओपन लगे। यही मैं इस आई में भी कर लूंगी। ओके, अब मैं अपने बेस पे फटाफट एक बार मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लेती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूंगी एंड वंस इट इज सेमी ड्राई आई विल गो लाइटली विद माय स्पंज, ताकि अगर अभी भी कोई एक्सेस पाउडर बचा है तो इट विल बी पिक्ड अप विद द स्पंज। नाउ माय फेवरेट पार्ट, अब हम हाईलाइट करेंगे। तो आज मैं हाईलाइटर के लिए यूज कर रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम पैलेट, और मैं ये स्मॉल आई शेडो ब्रश यूज करूंगी टू गेट मोर प्रिसिजन। तो हाइलाइटिंग हो गई है, तो मैंने ऑफ कैमरा लिपस्टिक और लैशेस अप्लाई किए, क्योंकि लिपस्टिक में मैं कंफ्यूज हो रही थी बिटवीन न्यूड लिप्स एंड रेड लिप, बट फेस्टिवल है तो कम ऑन आई कैन डू रेड लिप्स टुडे, राइट। तो लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस मैं अपने लोअर लैश लाइन पे काजल ऐड करना चाहती हूँ। काजल भी अप्लाई हो गया है एंड द लुक इज नाउ एब्सोल्युटली कंप्लीट। अब मैं फटाफट से अपने आउटफिट में चेंज कर लूंगी। Okay, so this is my final look. I am absolutely in love with this look. I hope आपको भी ये look उतना ही पसंद आया हो। मुझे comment करके बताओ कि आपको ये look कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं ये video end करती हूँ। I hope आपको आज की video पसंद आई हो, और अगर आई तो आप please like का button दबाएं, comment करके बताएं आपको आज का makeup look कैसा लगा, आपको मेरा entire look कैसा लगा, what was the best part about this look that you love, and also अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please कर दो, एंड उसके साइड में बेल बटन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे सुंदर सुंदर से लुक क्रिएट करके वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।